आइए थोड़ी देर के लिए हम अपनी यात्रा पर, अपने भीतर की सैर पर चलें। बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही भीतर जो दिखाई दे रहा है उसको देखते रहना। करना कुछ नहीं, कछु करना नहीं, भीतर की यात्रा पर कुछ करना ही नहीं। और अगर करने की आदत बनी है तो वो माइंड की है, तेरी नहीं। तुम मन नहीं हो, तुम मन को देखने वाले साक्षी दृष्टा चेतन आत्म तत्व हो। तुम भीतर की यात्रा पर पूर्णतया अकर्ता हो, अकर्ता हो, न कर्ता हो न भोगता हो, केवल एकमात्र दृष्टा साक्षी हो। अपने भीतर की सैर में तनिक मात्र कुछ करना नहीं। बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही भीतर शिव नेत्र, तृतीय नेत्र, तीसरा नेत्र हो जाना। अपनी सारी ऊर्जा, सारी एनर्जी, सारा ध्यान, सारी अटेंशन भीतर की ओर मोड़ करके, भीतर की ओर डाइवर्ट करके, भीतर की ओर टर्न करके तुम देखना शुरू करना। केवल बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही भीतर दिखाई देने लगता है। भले कितना भी घना अंधेरा हो, भले कितना अंधकार हो, तुम देखते चले जाना। सन्नाटा है, अंधेरा है, कुछ भी नहीं है, तुम देखते चले जाना। सहज अवस्था में देखना, तनिक मात्र भी जोर ना पड़े, कोई किसी प्रकार का प्रेशर नहीं। क्योंकि करने की आदत बनी है इसलिए तुम मेडिटेशन को, अंतस्थ ध्यान को भी करना चाहते हो। ये करने का सब्जेक्ट नहीं है, इसमें उतरना है, इसमें हो जाना है। जैसे तुम बाहर देखते हो, बाहर देखने में कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, कोई यत्न नहीं करना पड़ता, बहुत सहज अवस्था में तुम बाहर देखते हो। इससे भी ज्यादा सहज है अपने भीतर देखना। जहां से आईसाइट, जहां से हमारी लाइट, हमारा प्रकाश, हमारी देखने की शक्ति, हमको बाहर देखने की शक्ति मिल रही है, उस स्रोत की ओर हमको भीतर की ओर मुड़ जाना है। और कुछ करना नहीं, साधारण सहज सरल हो जाना है और शांत मुद्रा में देखते रहना है। वही देखना है जो स्वतः दिखाई दे, जो अपने आप दिखाई दे, लगातार वही देखते रहना। भले कितना भी घना अंधेरा हो, कितना भी सन्नाटा हो, कितना भी खालीपन हो, तुम देखते रहना। जो दिखाई दे रहा है वो बहुत टेम्परेरी है, और जिसको दिखाई दे रहा है वही एकमात्र परमानेंट एंटिटी है, और वही तुम हो, देखने वाले, दृष्टा साक्षी, निष्पक्ष निरपेक्ष ऊर्जा। तुम हो न्यूट्रल एनर्जी, निष्पक्ष ऊर्जा। केवल देखते रहना, भीतर की गति को देखते रहना, लगातार देखते रहना। अपनी ओर से कोई कल्पना नहीं करना, अपनी ओर से कोई एडिशन नहीं करना। जो स्वतः भीतर की स्क्रीन पर उतर रहा है उसको सहज पूर्वक देखते रहना। सहजता, सरलता, सरसता एकमात्र तेरा स्वभाव है, यही तेरा गहना है, यही तेरा सौंदर्य है, यही तेरी संपदा है। लगातार देखते रहना, अपनी सुरती बनाए रखना, देखने की होश, देखने की एकमात्र प्रक्रिया में रहना। ये प्रोसेस केवल देखने का, जो भी दिखाई दे उसी को देखना है। भीतर के अंधेरों में मन की गति, मन की माया, मन माया का विस्तार शुरू हो जाता है, अर्थात
अनेकों विचार, विकार, विकल्प, वृत्तियों के ढेर चारों ओर फैलते चले जाते हैं। मन की चंचलता, चपलता, दौड़, द्वंद्व, न जाने कितना फैलाव अपनी माया का कर देता है जब तुम भीतर जाने लगते हो। इस मन की द्विधा, मन का द्वंद्व, मन की चंचलता तुझे बैठने नहीं देती। तुम घबरा जाते हो कि पल भर के लिए भी मन बैठने नहीं देता तो फिर मौन होकर के क्या देखी। यही देखना है, मन के खेल को देखना है, मन की चंचलता को देखना है, मन से हट करके मन की गति को देखना है। मन कितना भी काबिज रहे, कितना भी तेरे पर हावी रहे, कितना भी तुझको अपने गोदी में सुला करके चले, कितना भी तेरे पर अटैक करे, हमले करे, तेरी सुक्ति को तोड़ता जाए, तेरी चेतना को खंडित करता जाए, तेरे ध्यान को तोड़ता चला जाए, तुम तनिक मात्र प्रवाह न करना। क्योंकि अभी आप कछु कहने योग्य नहीं है, अभी आप कछु करने योग्य भी नहीं है मन के प्रति। अभी तो आपको मौन और शांत होकर के इस मन माया के विस्तार को देखते रहना होगा, केवल देखते रहना होगा। तुम मन से हटते चले जाना, विचारों से हटते चले जाना, अंधेरों से हटते चले जाना और जागे जागे अपने भीतर की गति को देखते चले जाना। नहीं मैं बॉडी नहीं और ना ही ये बॉडी मेरी है। मुझको तो थोड़ी देर के लिए जीवन यात्रा पर उतरने के लिए मिली है, वाहन के रूप में मिली है, एक व्हीकल के रूप में मिली है। ये मेरी नहीं है, ये पांच तत्वों की बनी हुई एक दिन पांचों महातत्वों में वापस लौट जाएगी। ये पांच प्रकार का मेटीरियल परमात्मा ने अपने हाथों से मंगवा करके, पांच महातत्वों से मंगवा करके स्वयं प्रभु ने अपने हाथों से ये मूर्ति सजाई है, मां की पेट में है। अपने ही रूप में, अपने ही इमेज में, अपने ही मूर्त सूरत में उस विराट प्रभु ने मां की पेट में 9 महीना लगा करके ये सजाई है। और क्या गजब की बना करके, क्या गजब की अद्भुत निर्मित करके खुद सोच में पड़ गया कि 9 महीना जिसको बनाने में लगा है उसके साथ इतना प्रेम पड़ गया है परमात्मा का
इतना प्रेम हो गया है, इतना प्रेम हो गया है, इतनी जुगलबंदी हो गई है इंसान की मूर्त के साथ कि 9 महीने बनाता बनाता उसके साथ प्रेम कर बैठा परमात्मा। और ऐसा प्रेम गजब का कि जब 9 महीने लगे बनाने में और जब बनकर के तैयार हुई इंसान की मूर्ति तो उसको भेजते समय, उसको संसार में भेजते समय स्वयं साथ चला आया, स्वयं साथ बैठ करके आया। धन्यवाद प्रभो, धन्यवाद। तू भी इसके बिना ना रह पाया, अपने हाथों से 9 महीना लगा करके तूने क्या अद्भुत मूर्ति बनाई कि तेरा अपना ही प्रेम पड़ गया इसके साथ। तो स्वयं हृदय द्वार पर विराजमान होकर के हर इंसान के भीतर बैठ करके आया, कितना तू प्रेम पूर्ण होकर के आया, कितना तू प्रेम का एक महान दामन लेकर के आया, कितना तू प्रेम का एक रंग चढ़ा करके इस इंसानी चोले पर आया। तू 24 घंटे देख रहा है भीतर बैठ करके कि तू कब वापिस थोड़ी देर के लिए लौटता है। जीते जागते इन श्वासों के रहते रहते तू अपने भीतर की ओर एक झलक, एक पलक प्राप्त कर ले, वो तुझको मालोमाल कर देगा, वो तुझको आबाद कर देगा, वो सर्वस्व कुर्बान करने को तत्पर बैठा है, तैयार बैठा है। वो इतना प्रेम करता है तुझसे कि एक पल भी तेरे बिना नहीं, और एक पल भी अगर इधर उधर हुआ तो तू शमशान पहुंचा दिया जाएगा, एक पल के लिए भी इधर उधर हुआ तो तू हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया जाएगा। वो कितना प्रेम करता है तुझसे। स्वयं तेरे भीतर बैठ करके आया है और फिर भी तू अस्वस्थ जिया, तू टेंशन में, स्ट्रेस में, हाइपरटेंशन में, ब्लड प्रेशर लेकर के जिए तो कितना बड़ा कलंक लगा रहा है प्रभु के दामन पर, कितना बदनाम कर रहा है तू अपने भीतर बैठे प्रभु को। तू मनोरोगी, हृदय रोगी होकर के मरे, तू लालची, लोभी होकर के, कामी होकर के, तू अहंकारी, अभिमानी होकर के जिए, ये तेरा परम पितु परम मातु नहीं सहन कर पा रहा, ये उसके अस्तित्व को कलंक है। और जिसके हाथों से तू बनकर के आया है थोड़ा सा उसकी ओर मुड़ करके देख लेना ही तेरी जिंदगी का महासूर्य उदय हो जाएगा, तेरी जिंदगी कोई आबादी तेरे हाथ लग जाएगी, तेरा जीवन फलित होकर के आबाद होगा। एक बार अपने भीतर, अपने केंद्र की ओर, अपने हृदय द्वार की ओर, अपने भीतर बैठे प्रभु की ओर आंख, भीतर की आंख खोल के देख लेना, तेरी मंजिल, तेरा लक्ष्य, तेरा ध्येय तुझको अपनी ही आंख के सामने मिल जाएगा। चाहे तो कितना गंदला है, कितना मल मैला है, कितना पाप से भरा हुआ है, बुराइयों से भरा हुआ है, तमाम प्रकार के नशों से तू डूबा हुआ है, कितनी ही आदतों का गुलाम है तू, परवाह ना करना। एक बार भीतर बैठे प्रभु की याद पूरे मन से कर लेना, उसके लिए तड़प लेना, दर्द उठा लेना, दो आंसू बहा लेना, उसकी याद में डूब जाना, तुम बिल्कुल उसी तरह धुल जाओगे जैसे बाहर माँ अपने मल मैल से भरे हुए बच्चे को धो धो करके उसको चूमती चाटती चली जाती है। ठीक उसी तरह तेरी परम मातु परम पितु अपनी गोदी में तुझको लोरियां दी दे करके आबाद करता है। अगर तू थोड़ा सा उसकी ओर मुड़ जावे तो तू निष्पाप हो जाए। बहुत सुंदर इशारा किया है गीता में भगवान श्री कृष्ण ने, हे निष्पाप अर्जुन, तनिक मात्र भी कॉम्प्लेक्स में ना पड़, कोई कॉम्प्लेक्शन तेरे में ना आए, कोई इंफीरियोरिटी सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स तेरे भीतर ना आए, कोई किसी प्रकार का अहंकार अभिमान सटल ईगो तुझे छू ना पाए। क्यों? तूने कितने भी पाप क्यों ना किया हो, तूने कितने बदले की भावना में तूने अपनी जिंदगी को रुलाया हो, तूने भले कितने भी रिटेलिएटरी नेचर को पिरोया हो भीतर, तो कितना भी अपने आप को पश्चाताप और पछतावे में डुबो करके खड़ा है, तू एक निष्पाप आकाश है। तेरे होने के आकाश पर इसका कोई प्रभाव नहीं है, तेरे अस्तित्व पर, तेरे आकाश पर
तेरी किसी करनी का प्रभाव नहीं है, अगर तू एक बार जग जावे, एक बार अनुभूत कर ले वे अपने आकाश को, तो अभी भी निष्पाप है। उस निष्पाप अवस्था को उपलब्ध होकर के देख लेना, तेरा सब चित्रगुप्त का लेखा जो खा मिट्टी में मिल जाएगा, सब लकीर फिर जाएगी। तू चिंता ना कर, तू अपने मन के प्रति जाग, मन के प्रति जाग, जो तेरे आकाश को ढांके हुए है, जो मन माया तेरे आकाश को, तेरे अस्तित्व को ढांक करके खड़ी है, उसके प्रति जाग। और यही पुकार करके कह दे, मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन तेरा ही दिया हुआ। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन उसी का है दिया। जो भी अपने पास है वह धन प्रभु का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन प्रभु का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन प्रभु का है दिया। देने वाले ने दिया वो भी दिया किस शान से। देने वाले ने दिया वो भी दिया किस शान से। मेरा है ये लेने वाला कह उठा अभिमान से। मेरा है ये लेने वाला कह उठा अभिमान से। मैं मेरा ये कहने वाला मन उसी का है दिया। मैं मेरा ये कहने वाला मन उसी का है दिया। अरे इस भजन को सुनकर के उलझना नहीं, इस लाइन के ऊपर तनिक मात्र भी चौंकना नहीं, तनिक मात्र भी जिब्बा खोल के बोलना नहीं कि फिर हमारा क्या कसूर है महाराज। जब मैं मेरा मेरी कहने वाला मन भी प्रभु नहीं दिया है, तो फिर हमारा क्या कसूर है। अगर हम मैं मेरा मेरी की तमाम अंधेरों में जाते हैं, तो फिर क्यों ना जाएं, जब प्रभु ने दिया है ये मन। ये मन में मेरी को दीन के साथ, अहंकार के साथ बोलने वाला मान, अभिमान, अहंकार, अस्मिता के अंधेरों को पिरो करके जीने वाला माइंड, ये मन जो मेरा मेरी कह रहा, मैं मेरा कहता है, शरीर मैं हूं और मेरा है, ये सब जो भी मेरा मेरी का पसारा इस मन से उतरता है, ये मन भी तो प्रभु का दिया हुआ है महाराज, हमारा क्या कसूर है। थोड़ा समझना, ये मन मैं मेरा मेरी की भाषा कहने के लिए तुझे संसार में मिला है। संसार के तमाम कर्तव्य कार्य, तमाम प्रकार का व्यवहार करने के लिए, संसार से जुड़ने के लिए प्रभु ने तुझको माइंड दिया है, मन दिया है, और संसार से इकट्ठा करके दिया है। जो जो भी हमें बाहर से, संसार से, परिवार से, समाज से, भीतर जो जो भी हमें मिला है, बचपन से, जन्म के पश्चात,
जिस परिवार में, समाज में, संसार में हम पैदा हुए हैं, उसके चारों ओर के लोगों ने जो जो हमें दिया है, जितना भी बाहर से हमको भीतर की ओर मिला है, उन सब का जोड़ है माइंड, उन सब का जोड़ योग फल है माइंड। मन हमको बाहर के जगत से, परिवार से, समाज से मिला है, और ये परिवार और समाज और जगत के साथ जोड़ता है हमें। जब हम बाहर की दुनिया में जाएं, बहिर्मुखी जीवन में जाएं, बाहर के कर्म धर्म में जाएं, बाहर की तमाम दौड़ धूप में, आपाधापी में जाएं, तो मैं, मेरा, मेरी कहना पड़ेगा, क्योंकि ये माइंड की भाषा है। मन बुद्धि हमें बाहर के जगत में चाहिए, मन बुद्धि हमें जगत में, बाहर के जगत के साथ जुड़ने के लिए मिली है, और बाहर के जगत में हम जाएंगे तो मन बुद्धि को लेकर के जाना होगा, और वहां मैं, मेरा, मेरी की भाषा बोलना होगा। तनिक मात्र भी इसको झुठलाना नहीं, जी भर करके इसको अपने गले से बोलना, अपनी जिह्वा से बोलना, अपने व्यवहार को चलाने के लिए भाषा बहुत जरूरी है। मत कोई किसी तरह से भ्रमित हो कि ये भाषा बोलना पाप है, गलत, बिल्कुल पाप नहीं, अगर तूने बाहर के व्यवहार में, बाहर के जगत की करनी में, बाहर के कर्मों में, बाहर की आपाधापी में, बाहर की दौड़ धूप में इस भाषा को इस्तेमाल तूने कंठ से किया, जिह्वा से किया, होंठों से किया, बाहर के व्यवहार को चलाने के लिए तूने मन की भाषा का इस्तेमाल किया और मन से किया, तो तनिक मात्र पाप नहीं, परंतु ये हृदय की भाषा नहीं, ये जीवन की भाषा नहीं, मेरे अस्तित्व की भाषा, मेरे हृदय द्वार की भाषा, मेरे अपने जीवन की भाषा है। तू, तेरा, तेरी, तेरा, दोनों का अपनी अपनी जगह इस्तेमाल करना। जब तुम अंतर्मुखी हो तो तू, तेरा, तेरी, वहां मन की भाषा नहीं चलाना, और मन अगर अपनी भाषा चलावे तो इससे सारा रिश्ता तोड़ लेना, सारा नाता तोड़ लेना, इसको देखने वाले बन जाना, इसके प्रति जाग जाना, तनिक मात्र इसको पोसना नहीं, तनिक मात्र इसको शाबाश नहीं देना, तनिक मात्र भी भीतर की राहों पर इसको ठहरने नहीं देना, इसका साथ नहीं देना। भीतर आओ तो नो माइंड हो जाओ, और बाहर जाओ तो माइंडफुल हो जाओ। माइंडफुलनेस से जाना बाहर के जगत में, और भीतर आओ तो नो माइंड, बियॉन्ड माइंड, बाहर के जगत में पूरे पूरे मन के साथ, और भीतर के जगत में पूरे पूरे हृदय के साथ। अगर ये बैलेंस, ये संतुलन तुझे मेडिटेशन से प्राप्त हो जावे तो कितना सहज, सरल, स्वस्थ, पूर्ण हो जावे, तो इस धरती के अंदर आकाशवत होकर के जिए। यही कहते हैं प्रभु, ऐसी ज्योत जगाना, ऐसा दीप जलाना कि तनिक मात्र भी भीतर अहंकार ना आए, भीतर अकड़ ना रहे, भीतर सरलता, सहजता, सरसता, इतनी विनम्रता का स्वरूप हो जाए कि तेरे भीतर जगमगाता दीप तरस उठे अपने आप को दिव्यमान करने के लिए, अपने आप को प्रकट करने के लिए परमात्मा तरस जाए। इतने हृदय द्वार के एकमात्र दीवाने हो जाना, एकमात्र रिंद हो जाना, और यही याद रखना, सदा याद रखना। देने वाले ने दिया वो भी दिया किस शान से, मेरा है ये लेने वाला कह उठा अभिमान से, मैं, मेरा ये कहने वाला मन उसी का है दिया, मैं, मेरा ये कहने वाला मन उसी का है। योगा कर्मसु कौशलम, ये तेरी कुशलता है, यही तेरे कर्म की कुशलता है कि बाहर मैं, मेरा, मेरी चले, और भीतर इतनी सुरती जगी हो कि पल पल तो तेरा, तेरी चले। अब क्या है, अब तो संसार में दिखावा मात्र में, बाहर कोई कहे भाई कमाल कर दिया तूने, गजब कर दिया, क्या गजब का शिखर बनाया, क्या तूने सेवा कमाया, क्या तूने शुभ कर्म किया, क्या तूने दान पुण्य किया, क्या गजब का तूने कर्म कमाया, तू इतना बड़े शिखर का मालिक हो गया। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं, ये मेरा नहीं, मैं नहीं, ये सब प्रभु का है, उसी की कृपा है, उसी की अनुकंपा है, परंतु भीतर का मन तो अहंकार से भरा है,
भीतर मन तो कह रहा मेरा आया, और बाहर से तो कहता नहीं तेरा मालिक का है, प्रभु का है। भाई तू मेरी क्यों महिमा गाता है, प्रभु की गा नहीं। तुझे कुछ कहने की जरूरत क्या है, तुझे जवाब देने की जरूरत क्या है? तो नतमस्तक होकर के जो आई है स्तुति, बाहर से महिमा आई है, एकदम अपने भीतर बैठे हृदय द्वार पर विराजमान प्रभु के चरणों पर चढ़ाता चला जा, और आंख मूंद करके कहे प्रभु तेरा, ये सब तेरी बड़ियाई, ये सब तेरी महिमा, ये सब तेरी एकमात्र कृपा अनुकंपा रहमत तेरी है। अपने भीतर प्रभु को सुना, अपने भीतर प्रभु के चरणों पर उड़ेलता जा, ये है जागे पुरुष की निशानी, एकमात्र प्रज्ञावान की निशानी। ज्ञानवान नहीं होना, प्रज्ञावान होना। ज्ञानवान होने के बाद अपने ज्ञान को भीतर पिरोना, अपने जीवन में जीना, और जीने के बाद तुम प्रज्ञावान होते ही इस संसार के मालिक हो जाओगे, इस संसार में आबाद हो जाओगे। फिर मौत नहीं छुएगी, भले वो पांच तत्वों के पुतले को भले ले जाए, किंतु तेरे अस्तित्व को, तेरी जिंदगी को नहीं ले जा सकती, वो तेरे जीवन को छू तक भी नहीं सकती, और तेरा जन्म मरण का चक्कर काट करके सदा सदा के लिए आकाश और जमीन पर तुझे आबाद कर देता है। ये महान आलम भीतर की मस्ती का, खुमारियों का, ये भीतर की जीवन ज्योत का। इंसान भयवश और लोभवश जीने की कोशिश ना करे, जिए तो प्रभु से प्रेम, अपने से प्रेम, अपनी आत्मा से प्रेम करता हुआ जिए, अपने आप से प्रेम, अपने आप से जुगलबंदी, अपने आप से प्रेम की रीत निभाता हुआ, अपने जागरण में जी करके इस जिंदगी की बहारों को लूटता चला जा। जिस दिन तू भीतर से जागेगा, हर कदम पर बहारें उतरती चली जाएंगी, उस परमात्मा की, प्रकृति की, कुदरत की, कोई कदम तेरा दुखमय नहीं कटेगा, सुखमय कटेगा, स्वस्थ पूर्ण कटेगा, जब तू भीतर स्थित होगा अपने आप में। ये आर्ट ऑफ लिविंग, ये जीने का ढंग, जीने की कला भीतर से मिलती है, बाहर से थोपी नहीं जाती। ये बाहर की नैतिकता नहीं है, ये भीतर की नैतिकता है। भीतर जाकर के जीने में मिलती है, भीतर की ओर मुड़ करके थोड़ा मन के प्रति जाग करके, मन के प्रति जाग करके, मन के प्रति अपनी सुप्ति संभाले हुए जागे जागे जीने के महान आलम में प्राप्त होती है, जिसके प्रति गुरु नानक देव जी ने भी कहा, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। ये 24 घंटे की सुप्ति नशे वाली, 24 घंटे की मस्ती उधारी नहीं है, ये किसी ऑब्जेक्ट से प्राप्त नहीं की गई, ये अकारण उतरी है, अपने भीतर की है, 24 घंटे रहती है। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन प्रभु का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन प्रभु का है, जो दिया है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, जो दिया है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, कब भी छुड़ जाए कोई ये राज कह सकता नहीं, कब भी छुड़ जाए कोई ये राज कह सकता नहीं, जिंदगानी का किला मधुबन उसी का है दिया, गानी का किला मधुबन उसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन प्रभु